नवरात्र का पहला दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाए जा रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के कल्याण और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं क्या है माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। इनका जन्म शैल अर्थात पत्थर से हुआ था, जिसके कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने बैल पर सवार होकर आती है और एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे में त्रिशूल धारण करती है। नवरात्र के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। शुभ मुहूर्त में पहले घट स्थापना करें, इसके बाद पूर्व दिशा में एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर माँ शैलपुत्री को हल्दी, नारियल, कुमकुम, चंदन, लौंग, सफेद चंदन, पान, सुपारी और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इस सब के बाद माँ को किसी मिठाई से भोग लगाएं। अगर आप रसगुल्ले का भोग लगाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग काफी प्रिय है। इसके बाद उनकी आरती करें, सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और खबरों से जुड़े रहने के लिए दैनिक जागरण के व्हाट्सएप चैनल को जरूर आज ही फॉलो करें।